काट के दिखाएं इसमें से क्या निकलता है। नाज़रीन देखिए, ये तोरी है, आप खुद ही चेक कर लें ये देखें इसमें क्या निकलता है। ये देखें जरा नाज़रीन, ये देखें, दिलों को जरा थाम लें। ये देखें भाई जान आपके सामने क्या निकलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े बैड कमेंट्स देखे हैं जी, जादू कर रहे जी, नौज़ बिल्ला इंज कर रहे जी, कुदरत नाल खेल रहे थे। डॉक्टर साहब तुसी इस नज़दीक की समझो कि तुहाडे फन नूं लोग किस पास लै गए। देखते हैं भाई जान आपके सामने है, पता नहीं क्या निकलता है। ये देखें, देखते हैं क्या निकलता है। ये आलू है जी, आलू है, आलू है, देखते हैं जी क्या निकलता है आलू के अंदर से। आलू के अंदर से दिलों को थाम ले नाज़रीन, दिलों को थाम ले, आलू के अंदर से क्या निकल रहा है जी, क्या निकल रहा है। ओ जापानी फल में से कुछ निकालने लगे और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। पहले भी आपको पता है बहुत से स्टंट करके दिखा चुके हैं जी डॉक्टर साहब। लो देख लो जापानी फल चुकी निकल, देखते हैं नाज़रीन, देखते हैं दिलों को थाम ले। अंदर की बात क्या है, ये फ्रूट से, फलों से, सब्जियों से किस तरह पैसे निकाल लेते हैं और बहुत सी चीज़ें। मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें। देखते हैं कि सुनते कानों को मुदस्सर का सलाम। जितना दिन आपको पता है टिकटॉक पर आपने एक शख्स देखा है, मुल्क पाकिस्तान में पहला शख्स जो सब्जियों से, फ्रूट से, वो सेब हो, केला हो, वो आलू हो, वो जो भी हो, तोरी हो, उनमें से पैसे निकालता है और बहुत सी चीज़ें। लोग कहते हैं कि ये जादू है, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं इनकी खेतों के अंदर और ये लाइव हमें कुछ निकाल के दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बात करते हैं और जानते हैं कि ये इनके पास फ़न है, कोई हाथ की सफाई है, कोई जादू है, क्या मामला है। बहुत से लोग डॉक्टर साहब से मुतासर होते हैं और इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र सर, बड़ी मेहरबानी आपके कीमती टाइम का। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं अपने, देखें खेत में फेर रहे हैं, सब्जियाँ भी आपने लगाई हैं, मुझे बताइए कारोबार करते हैं या आपका शौक है? नहीं नहीं, ये शौक है कारोबार का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया हुआ, हम कुमार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा ही आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपकी बड़ी मेहनत है इसमें, लोग आपको जादूगर भी कहते हैं, कुछ लोग तो आपको ये भी कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई है, आप दुआ करते हैं बेहतरी हो जाए। तो सर मुझे बताएं माशाल्लाह ये किस तरह से आप सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, कैसे आइडिया आया कि ऐसा भी काम हो सकता है? नहीं, बाहर खेतों में अक्सर जाते रहते हैं जिमीदार, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो करते हैं, तो उधर एक दोस्त है उसके साथ मशवरा किया और आइडिया एक लगाया ना हमने, दरख्त खड़े थे अपना केले के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई वीडियो हमारी, वायरल बहुत ज़्यादा तकरीबन 20 मिलियन के करीब गई। उसके बाद फिर हमने आगे काम शुरू कर दिया, बस जस्ट शौक है हमारा। ये तो नाज़रीन डॉक्टर साहब आपको पता है टिकटॉक पे बहुत ही फेमस हैं, आज हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास, इनकी मोहब्बत है, खुसूसी टाइम दिया। डॉक्टर साहब हमारी नाज़रीन को क्या दिखाएंगे, ये काट के दिखाएं इसमें से क्या निकलता है नाज़रीन। देखिए ये तोरी है, आप खुद ही चेक कर लें नाज़रीन, ये देखें क्या निकलता है। ये देखें जरा नाज़रीन, ये देखें, दिलों को जरा थाम लें। ये देखें भाई जान आपके सामने क्या निकलता है, देखते हैं नाज़रीन, देखते हैं क्या होता है। ये देखें आपके सामने, ये देखें इसमें टॉफियां निकल रही है टॉफियां नाज़रीन, ये देखें इसमें से क्या निकला आपके सामने। ये देखें डॉक्टर साहब मेरे हाथ पे फेंकें जरा, लोगों को यकीन नहीं होना, ये टॉफियां नाज़रीन, ये देखें तोरी, पंजाबी तुहानू समझाना, तोरी दे विचों टॉफियां निकल रही ने। थोड़ा दूर फ्रेम करो नाज़रीन, ये देखें ये मेरे सामने काटी है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें नाज़रीन जरा, ये देखें मैं उठा के दिखाता हूँ, ये तोरी है फ्रेश, ये भी आप देखें अभी काटी है, ये देखें, और इसके अंदर से ये टाफियाँ, खाने वाली टाफियाँ मीठी। जी तो नाज़रीन डॉक्टर साहब जापानी फल में से कुछ निकालने लगे हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, पहले भी आपको पता है बहुत से स्टंट करके दिखा चुके हैं जी डॉक्टर साहब। लो देख लो जापानी फल चुकी निकल, देखते हैं नाज़रीन, देखते हैं दिलों को थाम लें, थाम लें। ओ नाज़रीन ये देखें डॉक्टर साहब मेरे हाथ पे रखें, मेरे हाथ पे रखें, ये 100 रुपए का नोट है नाज़रीन, ये देखें 100 रुपए का नोट, और ये देखें फ्रेश कटा हुआ, ये देखें आपके सामने 100 रुपए का नोट है। इस तरह ही गल है, बड़े सी अमीर हो चुके हैं पाजी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, ये मुझे खिला भी दे मैं खा सकता हूँ। ये देखें ये आपके सामने है, और ये 100 का नोट भी देख लें आपके सामने है। चलते हैं और भी मामला आपको दिखाते हैं, आ जाए हमारे साथ।
जी तो नाजरीन डॉक्टर भाई हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा से और कुछ निकालने लगे हैं जमीन के अंदर से। डॉक्टर साहब क्या निकालने लगे हैं? लो देखते हैं भाई जान आपके सामने है, पता नहीं क्या निकलता है। ये देखें, देखते हैं क्या निकलता है। ये आलू है जी, आलू है, आलू है। देखते हैं जी क्या निकलता है आलू के अंदर से। आलू के अंदर से दिलों को थाम ले नाजरीन, दिलों को थाम ले। आलू के अंदर से क्या निकल रहा है जी, क्या निकल रहा है? ओ नाजरीन, 1000 रुपए का नोट है और ये असली है। ये मेरे हाथ पे रखे जरा डॉक्टर साहब, मुझे तब यकीन होना है। नाजरीन 1000 रुपए का नोट है, ये देखें। और ये आलू देखें आपके सामने, ये देखें आलू काटा है। डॉक्टर साहब तुसी ते वरेंजी मीर हो जाना मन लग रहा है जी। बहुत माशाल्लाह मीर हो चुके हम लोग तो। अल्लाह का शुक्र है। ये तो नाजरीन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कीमती टाइम दिया, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इनको हमसाया मुल्क से बहुत बड़ी ऑफर आई, सिख बरादरी ने इनसे रब्ता किया। हालांकि इनके पहले खिलाफ वीडियोज करते रहे हैं कि ये जादूगर है, ये फलां है फलां है, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अंदर की बात क्या है, ये फ्रूट से फलों से सब्जियों से किस तरह पैसे निकाल लेते हैं और बहुत चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपने छोटे भाई को टाइम दिया। सर हमें बताएं कि माशाल्लाह आप किस इलाके से बिलोंग रखते हैं? जी मैं ज़िला कसूर से। ज़िला कसूर से हैं डॉक्टर साहब। आपने टिकटॉक की दुनिया में एक जो कदम रखा है माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में एक नौजवान ने तारीख रकम कर दी है। सब्जियों से फलों से फ्रूट ख्वा वो सेब हो केला हो कुछ भी हो, आप उसमें से कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, सिक्के पैसे कुछ ना कुछ। अगर अंगूर है तो वहाँ से केला, अगर केला है तो वहाँ से अंगूर। सर मुझे बताएं कैसे ख्याल आया और इस तरह की बड़ी क्रिएशन आप कब से कर रहे हैं? जी मुझे तकरीबन टिकटॉक ऐप डाउनलोड किए हुए को तकरीबन 3 या 4 मंथ हो गए अभी। तो पहली वीडियो बनाई थी हमने केले की दरख्त की, तो उसमें वो अंडे डाले थे, तो तकरीबन वो 20 मिलियन से ऊपर गई थी। 20 मिलियन से ऊपर गई थी तकरीबन टिकटॉक पे जी। उसके बाद फिर हमने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, रोज़ तकरीबन 2 या 4 वीडियो अपलोड करते थे हम, तो सब्जियों में फलों में कुछ किसी चीज़ में भी निकालते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी वायरल हुई है। तो फिर आप लोग हमारे इंटरव्यू करने हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह ने आपको इज्जत दिया है, आपकी सेलिब्रिटियाँ हैं ये तो। लेकिन ये है कि बड़े सिंपल आपके सामने देखे ज़मीन पर बैठे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बड़े बैड कमेंट्स देखे हैं जी, जादूगर रहे जी, नौजबिल्ला इंज कर रहे जी, कुदरत नाल खेल रहे थे। डॉक्टर साहब तुम इस नज़दीक की समझ दो कि तुहाडे फन नूं लोग किस पास लै गए? नहीं नहीं पहले असीं जदों स्टार्ट कीता सी काफ़ी बैड कमेंट आए सी, कि वाकई लोगों का बनता भी यही सी रिएक्शन, क्यों असी करते इस तरह समझते कि जादू। बिल्कुल क्लैरिटी क्लीननेस सी कि जज नहीं सी, जज नहीं हो रहा। सो वीडियो में कोई लीक पॉइंट नहीं है, लोग राइट से उनके चू। मैं गल सफी लाल मौके की मुनासबत, नौज बिल्ला अल्लाह की कुदरत को दुनिया तक चेंज नहीं कर सकती, साडा ईमान है। लोगों को चाहिए अपने ईमान को कायम रखना, कमजोर नहीं होना चाहिए। इस तरह कोई कर सकता नहीं, साडा मनना चाहिए नहीं, दिमाग नहीं। लेकिन मेरे वगैरह कोई अनपढ़ लोग बेचारे है जो मिस्टेक कर देते, लेकिन फिर भी उन्होंने वास्ते पैगाम है कि बैड कमेंट करने की की फायदा है यार, कुछ भी नहीं है। तो उन लोग काफ़ी प्यार कर लग पे, क्यों? क्योंकि असं दसिया लोगों को जादू नहीं है, एक शुक्ल मेला, एक फन का मजहरा है, हाथ की सफाई नहीं। कोई जरूरी नहीं जी गलत काम करके उतर जा सकते हैं। काफ़ी साड़ी नस्ल के अक्सर है सिगरेट वगैरह नोशी वगैरह इन चू आइस वगैरह अपना और भी मुख्तलिफ चीज़ा ने, लेकिन सानू उधर बजाय कोई गेम च शामिल होना चाहिए जिंद असं वायरल भी होइए, अच्छा टाइलेंट उभरता नज़र आए, कोई इस तरह जिस तरह मैं काम किया इस तरह चाहिए, जिन शे काम करके दिखाना चाहिए अपने मुल्क वास्ते, अपने अपनी जात वास्ते, अपना खुद पहचान होनी चाहिए अपनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजिन हमारे साहब जो थे डॉक्टर, आपको पता है टिकटॉक स्टार की दुनिया में मैं कहता हूँ कदम रखा है और यूनिक कंटेंट लेकर आए और छा गए। इनकी स्टोरी के लिए, इनके टैलेंट के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को जाते हैं, देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुंदर कानों को मुदस्सिर का सलाम।